हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही दो इंटरेस्टिंग फ्लावर्स जिसमें मैं आपको डिटेलिंग बताऊंगी और जिसमें आपको पेंसिल की ज़रूरत नहीं है। मतलब पेंसिल की ज़रूरत ऐसे नहीं है, लेकिन ड्रॉ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ पेन्स। यहाँ पर ये वाटर ब्रश पेन है, आपको लोकल स्टोर पर मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आप ये बाय कर सकते हो। बहुत अच्छा रहता है अगर आप वाटर कलर करते हो तो। मैं ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस लेती हूँ और ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस में वाटर कलर्स सिखाती हूँ स्टूडेंट्स को और एक्रेलिक पेंट सिखाती हूँ। तो अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस का, अपनी जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो पिछले कुछ वीडियो ज़रूर देखिएगा वाटर कलर के, जो इन दिनों मैं रेगुलर पोस्ट कर रही हूँ। अगर आपको वाटर कलर नहीं आता है तो एक बार गो थ्रू करिएगा उन वीडियोज़ को, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने वाटर कलर शीट लिया है जो मेरा 300 GSM है, और उसको मैं यहाँ पर मास्किंग टेप से सरफेस पे चिपका रही हूँ। सरफेस पे हम इसलिए चिपका रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हम करने वाले हैं कुछ वेट ऑन वेट टेक्निक्स, इसलिए हमको यहाँ पर शीट को फिक्स करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, पेंट्स एक बार समझ लेते हैं कौन से पेंट्स लिए हैं। सैप ग्रीन लिया है, येलो ऑकर, ब्लू कलर ले सकते हो आप कोई सा भी, एक क्रिम्सन लेंगे और एक कैडमियम येलो, ये कलर्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो प्लेट में निकाल लिए हैं कलर्स, क्योंकि यहाँ पर मैं ट्यूब्स यूज़ करती हूँ। आपको पता ही है, जैसे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, पैंस यूज़ कर सकते हो, ट्यूब्स यूज़ कर सकते हो, केक्स यूज़ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर हम सर्कल बनाएंगे केवल ये देखने के लिए कि हमारे फ्लावर्स कहाँ पर प्लेस होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तीन सर्कल बना दिए क्योंकि मैं यहाँ पर थ्री फ्लावर्स बनाने वाली हूँ उस वाली शीट पर। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर हमको ये जो फ्लावर्स हैं ये बनाने हैं। तो इसलिए बस केवल आप यहाँ पे सर्कल बनाओगे तीन। डिस्टेंस का ध्यान रखना है क्योंकि हमको पेटल्स उस हिसाब से लेनी है। यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे ड्रॉप्स निकलती हैं इसकी। ठीक है, हल्का सा दबाने पर पीछे की तरफ पानी फिल रहता है। पिछले वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से दिखाया था ना आपको खोल के इस पेन को, आपको ध्यान है। लाइक कर दीजिएगा वीडियो अगर वीडियो पसंद आ रहा है। तो थोड़ा सा सरफेस वेट करने के बाद हमने यहाँ पर ले लिया है येलो कलर, येलो ऑकर लेंगे, साथ में थोड़ा सा ग्रीन भी मिक्स करेंगे। पहले हम यहाँ पर येलो ऑकर लगा देते हैं, थोड़ा सा ग्रीन लेते हैं नीचे की तरफ से और उसको ब्लेंड कर देते हैं। ठीक है, ब्रश पेन यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल पेन यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल ब्रश यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप। बट टेक्निक्स ये वर्क करेंगी केवल वाटर कलर के लिए। तो अगर आप वाटर कलर के स्टूडेंट हो, अगर आपको वाटर कलर करना अच्छा लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है ना। तो अगर आप नहीं जानते हैं मुझे, तो हाय, मेरा नाम पूजा है और ये मेरा आर्ट चैनल है आर्टिस्ट ऑफ पूजा। यहाँ पर मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ अपनी पेंटिंग नॉलेज, और शेयर करती हूँ अपने जितनी भी मेरी पेंटिंग से रिलेटेड नॉलेज है ना, आर्ट से रिलेटेड, वो शेयर करती हूँ यहाँ पर मैं। तो एक बार गो थ्रू जरूर करिएगा चैनल को अगर चैनल पर आए हैं तो, है ना। और कौन सी सिटी से देख रहे हैं आप, क्या आप मुझे बता सकते हैं, तो मुझे जानकर खुशी होगी कि आपने मुझे कौन सी सिटी से वॉच करा है। ठीक है, टेक्निक्स अगर हेल्पफुल रहती हैं तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। हल्का सा ब्लू लेंगे नीचे की तरफ, हम यहाँ पर ब्लू ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो फ्लावर्स हमने लिए हैं, इनका मिडिल पार्ट हम बना लेंगे। सबसे पहले मिडिल पार्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर वेट ऑन वेट टेक्निक यूज़ कर रही हूँ। मैंने एक वीडियो पहले, मतलब पिछला वीडियो नहीं, उससे पहले मैंने आप लोगों को एक वेट ऑन वेट टेक्निक का वीडियो मैंने समझाया था, जिसमें वेट ऑन वेट और वेट ऑन ड्राई मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाया था। बहुत शॉर्ट सा वीडियो है, 10 मिनट का, एक बार गो थ्रू करना, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर बाहर की तरफ थोड़े से स्पाइक्स निकाल देंगे, और उसके लिए भी मैं सेम ब्रश यहाँ यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, नीचे की तरफ डार्क कलर रखेंगे, ये ध्यान रखना है, और ऊपर की तरफ लाइट कलर रखेंगे। येलो ऑकर लिया है मैंने, येलो ऑकर लेंगे, हल्का सा बॉन्स याना लेंगे, और इस तरह से हम हल्के हल्के स्पाइक्स यहाँ पर निकाल देंगे। क्योंकि वेट ऑन वेट में काम कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना कि आपके एजेस सॉफ्ट ही रहेंगे, हार्ड नहीं होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आप यहाँ पर नहीं हो पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आप वेट ऑन वेट में काम कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर फ्लावर्स की पैटल ले लेते हैं, राउंड ब्रश ले लेंगे, नंबर 6 यहाँ पे मेरे हाथ में है, डाविंची का ब्रश। आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हो, आपके जो सिंथेटिक हेयर है वो थोड़े से सॉफ्ट होने चाहिए ब्रश के। पैटल्स नीचे की तरफ हल्का सा ड्रैग करते हुए लाना है ब्रश को, और नीचे की तरफ यहाँ पर पैटल्स बना देने हैं। सभी पैटल्स अच्छे से लगा देने हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर पैटल्स को दूर दूर रखें, आप पास पास रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम पैटल्स का बेस तैयार कर रहे हैं,
उसके ऊपर फिर से हम यहाँ पर लेयरिंग करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि कितना लंबा लेके जाना है आपको पेटल्स को, क्योंकि इसीलिए हमने ये सर्कल्स बनाए थे, जिसलिए हमको पता चल सके कि हमारे जो पेटल्स हैं वो कितने लंबे हैं, यहाँ पर कितने लंबे हमको रखने हैं, जिससे दूसरे फ्लावर को ये टच नहीं करें। तो यहाँ पर राउंड ब्रश बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। आपको कौन सी टेक्निक यूज़ करनी रहती है, वो है पुश एंड ड्रैग टेक्निक। आपने टच किया, फिर आपने पुश करके ड्रैग कर दिया उसको। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर पेटल्स को बना लोगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से फ्लावर के अंदर पेटल्स बना लेते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, साथ में दबा दीजिएगा बेल नोटिफिकेशन, क्योंकि इन दिनों मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए रेगुलर वीडियोस, जहाँ पर आप मेरे साथ अपनी पेंटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डार्क कलर के लिए जाएंगे हम। जैसे जैसे हम डार्क कलर के लिए जाएंगे, वैसे वैसे हमारे कलर जो है पेटल्स के और ज़्यादा एनहेंस हो जाएंगे और ज़्यादा सुंदरता से दिखने लग जाएंगे। सेम तरीके से आप यहाँ पर दूसरा फ्लावर भी बना लोगे और उसी तरीके से हम यहाँ पर थर्ड वाला फ्लावर भी बना लेंगे। अच्छा, अब इसमें स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको नहीं करनी है। यहाँ पर आपको फ्लावर्स को बहुत ज़्यादा पेटल्स को दूर दूर नहीं बनाना है, पहली चीज़ तो है ना, और अलग अलग डायरेक्शन में मत लेके जाना पेटल्स को। ऐसा करने से आपका फ्लावर जो है ना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये दो गलती ज़रूर करते हैं स्टूडेंट्स, मैंने देखा है जब मैं फ्लावर्स बनवाती हूँ उनको ये वाले, तो है ना, तो आप ध्यान रखना, फिर आपके लिए क्या होगा, ये गलती नहीं होगी और आपके जो रिजल्ट हैं ना वो बहुत अच्छे निकल के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेम तरीका हमने लिया है वापस से। हमने देखो, पानी ज़्यादा रखोगे तो सैचुरेशन पेंट का कम रहेगा, है ना, समझ गए होगे। और पानी को हम जब ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं तो हमारा जो पेंट है ना वो गाढ़ा गाढ़ा आने लगता है, उसका सैचुरेशन बढ़ जाता है और ज़्यादा यहाँ पर डार्क इफेक्ट हम दे सकते हैं पानी को रिड्यूस करके। ठीक है, तो वाटर कलर के अंदर यही टेक्निक होती है। वाटर कलर के अंदर एक ही कलर के अंदर अगर हमको टोन्स लेने होते हैं, शेड्स लेने होते हैं, तो हम पानी की क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको लेना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर से ब्रश को रगड़ना नहीं है। ब्रश को रगड़ना इसलिए नहीं है बहुत ज़ोर से, क्योंकि नीचे जो पेंट है वो फिक्स हो चुका है। आप अगर बहुत ज़्यादा ज़ोर से ब्रश को रगड़ेंगे तो वो नीचे का पेंट आपके पेंट ब्रश के साथ लिफ्ट हो जाएगा और उतने बेहतरीन रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखिए डार्क कलर के लिए जाएंगे। जब आप डार्क कलर के लिए जाएंगे तो आप डायरेक्टली रेड को यहाँ पे पिक कर लो और फिर रेड कलर यहाँ पे लो यूज़ करो। मैंने देखो ये रेड कलर के फ्लावर्स बनाए, आप चाहो तो ऑरेंज के बना सकते हो, ठीक है आपकी मर्जी है, बट मैंने यहाँ पर क्रिम्सन कलर यूज़ करा है। आप चाहें वो कलर यूज़ कर सकते हैं, क्वीन रेड भी बहुत प्यारा कलर होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सेम तरीके से हम यहाँ पर सेकेंड लेयर लगाते हैं फ्लावर की, और पेटल्स की जो हमको पेटल की जो हमने शेप ली है उसको लॉस्ट नहीं करना है, उसको हमको खोना नहीं है, हमको पेटल्स की शेप के ऊपर ही काम करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पेटल्स की शेप को हमको खोना नहीं है और आगे नहीं बढ़ जाना है। ओवरलैप करते हुए बहुत ज़्यादा पेटल्स नहीं बनाएंगे हम। ठीक है, हर एक पेटल आप यहाँ पर नीचे से देख पा रहे हो कि हमको यहाँ पर क्लियरली दिख रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दो तरह के फ्लावर्स, और दोनों ही तरह के फ्लावर्स में पेटल्स का शेप बिल्कुल ही अलग है। फर्स्ट मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इजी सिखाने की कोशिश करी है, जिससे जब सेकंड मैं आप लोगों को सिखाऊं तो और ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाओ और सीख पाओ। ठीक है, तो आप पहले ये पूरा ट्यूटोरियल देखो, फिर उसके बाद आप खुद से बनाना चाहते हो तो फिर आप वीडियो को देखते जाओ और फिर पॉज करते जाओ।
ठीक है, और फिर बनाते जाओ। अगर आपके पास वाटर कलर शीट नहीं है तो क्या करोगे, आप आइवरी शीट यूज़ कर सकते हो, बट वाटर कलर के अंदर ये टेक्निक बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। तो कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि पोस्टर कलर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं क्या चीज़, बिल्कुल कर सकते हो पोस्टर कलर के साथ भी आप, लेकिन आपको पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी रहेगी, ठीक है, क्योंकि पोस्टर कलर बहुत गाढ़े होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी उसके अंदर पेंट्स होते हैं, बट होते हैं बहुत अच्छे हैं। मेरे चैनल पर पोस्टर कलर से रिलेटेड भी वीडियोस हैं, आप देखिएगा अगर आपको पसंद है तो। प्लेलिस्ट बनी हुई है, शायद एक बार चेक करना पोस्टर कलर की, तो फिर पोस्टर कलर में देखना आप। एक जिसमें मैंने फ्रॉक बताया था, बहुत ही प्यारा है वो फ्रॉक, तो बहुत ही सुंदर है, तो वो गो थ्रू करना, ठीक है। अब हम अंदर वाले सेक्शन को थोड़ा सा यहाँ पर और ज़्यादा जो है स्पेसिफिक करेंगे, बहुत इसके अंदर जो स्पाइक्स निकले हुए रहते हैं वो बाहर निकालेंगे, और इसके लिए हम ऑरेंज कलर यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो येलो को मिक्स कर देंगे रेड के साथ, हल्का सा ऑरेंज मिलेगा हमको यहाँ पर, और हम इसको ऑरेंज कलर लगाते हुए वो बाहर की तरफ ब्रश चलाएंगे, ठीक है। डिटेलिंग ब्रश ले लेना यहाँ पर, आप लोग नंबर 2 ले सकते हो, नंबर 1 ले सकते हो, 0 ले सकते हो, मेरे हाथ में नंबर 2 ब्रश है डिटेलिंग का, ठीक है। सेम ब्रश है मेरे पास यहाँ पर, डाविंची का ही यूज़ कर रही हूँ मैं, सिंथेटिक हेयर ब्रश है तो वो आप ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है नेचुरल हेयर ब्रश के लिए जाओ। मैं थोड़ा सा कम लाइक करती हूँ, क्योंकि उसमें एनिमल्स को डैमेज करके नेचुरल हेयर ब्रशेस बनाए जाते हैं, कॉस्टली बहुत आते हैं, मेरे पास हैं बहुत पहले के लिए हुए, मैं किसी वीडियो में आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ पर जो मॉप ब्रश रखे हैं ये दोनों भी वही हैं, बट आउट ऑफ इग्नोरेंस मैंने बाय कर लिए थे, बाद में मुझे फील हुआ कि इस तरह से हमको नहीं बाय करना चाहिए, तो उसके बाद मैं आज की तारीख में बाय नहीं करती हूँ, बिल्कुल बाय नहीं करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन कलर ले लेंगे और स्टेम्स बना देंगे, पतले पतले स्टेम्स रखने हैं यहाँ पर, अभी हमको इसके लिए बैकग्राउंड भी रेडी करना है। तो यहाँ पर एक डायरेक्शन ऑफ हम बना रहे हैं कि किस डायरेक्शन में हम यहाँ नीचे स्टेम्स वगैरह बनाने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर जब आप लीव्स बनाओगे तो वही आपको टच करके ड्रैग करते हुए नीचे लाना है ब्रश को दबाते हुए, और लीव्स को जितना लंबा बनाना है उतना लंबा लेके जाना है ब्रश को, और उतना ही चौड़ा लेके जाना है। तो क्योंकि हम यहाँ देखो ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ड्रॉइंग तो करी ही नहीं है हमने, तो हमको पता कैसे चलेगा हमारी लीव्स कितनी बड़ी बनेगी कितनी छोटी बनेगी, वो हम यहाँ पर पता करते हैं स्पेस के अकॉर्डिंग, कि हमारे पास कितनी जगह है और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लीव्स को फिट कर देते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, देखो है ना, तो जो मैं करती हूँ वही चीज़ आपको बता पाऊंगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर लीव्स को फिट कर दो। अब मैं यहाँ पर कुछ वेट ऑन वेट इफेक्ट्स ऐड करूँगी, उसके लिए मैं पानी लगा रही हूँ, ठीक है। ये चीज़ ये स्टेप आप पहले भी लगा सकते हो, बट थोड़ा सा हम यहाँ पर मिक्स एंड मैच चलना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा पहले पानी लगाएंगे, फिर ग्रीन इफेक्ट्स ऐड करेंगे, थोड़े से मैं यहाँ पर रेड इफेक्ट्स भी ऐड कर दूंगी बैकग्राउंड के लिए। तो इस तरह से जो बैकग्राउंड है ना हमारा, ये बहुत ही प्यारा निकल के आएगा, ठीक है। गीले में इस बैकग्राउंड को कभी भी नहीं छेड़ना चाहिए, इसको ड्राई होने देना चाहिए, या तो आप इसको नेचुरली ड्राई होने दो, या फिर आप इसको ड्रायर से ड्राई भी कर सकते हो। और इस वेट ऑन वेट बैकग्राउंड के लिए हम पेंट्स का सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं और रिड्यूस भी कर सकते हैं, ये सब हमारे ऊपर है कि आपको किस हिसाब से इसका जो है सैचुरेशन रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हल्के से रेड के इफेक्ट्स भी ऐड कर दो, हल्का सा ड्रॉप्स भी ऐड किया है मैंने, तो पहले बैकग्राउंड को वेट करोगे, फिर हल्के से यहाँ पर आप जो है ड्रॉप्स भी ऐड करोगे। इसके लिए आप ब्रश को पेंट से लोड करोगे और हल्का सा फिंगर से टैप करोगे तो आपको इफेक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर पहले सबसे पहले एक बार जो पेटल्स हैं हमारी फ्लावर वाली पेटल्स, उनको एक बार हम और थोड़ा सा काम कर लेते हैं, है ना, और उसके बाद फिर हम इसके अंदर काम करेंगे।
अब यहाँ पर हमको पेंट होने के बाद बैकग्राउंड को सूखने के लिए छोड़ना है। आप चाहें तो ड्रायर यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा पानी यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा पैचेस बन जाएंगे, इसलिए पानी को हिसाब से यूज़ करना है जिससे हमको पैचेस नहीं मिले बहुत ज़्यादा, फिर क्योंकि पैचेस को भी फिर आपको फिक्स करना पड़ता है ना, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए पानी को थोड़ा हम रिड्यूस जो है लिमिटेड हैंड से यूज़ करेंगे जिससे हमको बहुत ज़्यादा पैचेस नहीं मिले। अब हम ऊपर से यहाँ पर लीव्स के ऊपर काम कर लेंगे और यहाँ पर फ्लावर पर भी हम काम कर लेंगे और थोड़ा सा हम ये डिटेलिंग वर्क ऐड कर देंगे अपने फ्लावर्स में और अपनी लीव्स के अंदर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जितनी लंबी लीफ लेनी है हमको उतना ही लंबा हमको ब्रश को पुश करते हुए ड्रैग करते हुए लेके जाना है, ठीक है। तो आप अपनी हिसाब से देखना कि आपकी पेंटिंग के अंदर कहाँ कहाँ स्पेस है, कहाँ आप बड़ी लीव्स लगा सकते हो, कहाँ आप छोटी लीव्स लगा सकते हो। जब ये वाला आप काम करते हो लीव्स का, तो आपका बैकग्राउंड कम्प्लीटली ड्राई होना ज़रूरी है। गीले बैकग्राउंड के ऊपर आप काम नहीं करोगे, नहीं तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से बड़ा लीफ लेके जाएंगे ड्रैग करते हुए और फिर आप इसको अपने हिसाब से लेके जाओ, कितना लंबा लेके जाना है। बहुत सिंपल रखा है मैंने ट्यूटोरियल, बिगनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल है, आपको मज़ा आने वाला है बना के और इजीली बनाओ के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे जब बना लोगे तो, ठीक है। तो इस तरह से डिटेलिंग करे बिना पेंटिंग को ख़त्म नहीं करना है, सबसे पहले डिटेलिंग करना है उसके बाद पेंटिंग को यहाँ पे ख़त्म करना है। मैं शुरू से आपको ये कहती हूँ, मिडिल में पेंटिंग नहीं छोड़ो, कंप्लीट करने की कोशिश करो। क्या होगा, रिजल्ट ही तो नहीं आएगा, बट बहुत सारी चीज़ें सीखते हो जब आप काम करते हो तो, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ले लेना है बहुत ज़्यादा अच्छे से और सभी लीव्स को यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। अब यहाँ पर जब मैं शेडोज़ पे काम करूँगी, थोड़ा सा ब्लू लेऊँगी और उससे मैं यहाँ पर फ्लावर के नीचे वाली शेडोज़ बना लूँगी। आप चाहो तो यहाँ पे रॉम्बर भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप किस इमेजिनेशन वर्क के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्लू लिया है क्योंकि हम रेड के साथ ब्लू को जब लेके जाते हैं तो एक अच्छा यहाँ पर कॉम्बिनेशन रहता है। आप यहाँ पर पर्पल भी ले सकते हो दोनों को मिक्स करते हुए और इस तरह से शेडोज़ क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर हर पेटल को निकाल दोगे बाहर और हर पेटल में सेपरेटली आप वर्क कर लोगे, एक एक दो दो स्ट्रोक्स हर पेटल में आपको ऊपर से ऐड करना है। मास्किंग टेप को हटा लेते हैं और एक बार हमारी पेंटिंग का रियल आउटकम देखते हैं कि कैसी लगी पेंटिंग। तो कैसी लगी पेंटिंग, पसंद आई? लाइक कर देना वीडियो को, समझाने का तरीका अगर पसंद आ रहा है तो भी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप किस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं, लूज फ्लावर्स पे और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट डाल दीजिएगा लूज फ्लावर्स, तो मैं लूज फ्लावर्स पर और वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगी, ठीक है। इस तरह से जब आप लूज फ्लावर्स पे वीडियोस मेरे साथ देखोगे बनाओगे तो आपको बहुत अच्छे से लूज फ्लावर्स बनाने आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं सेकेंड नंबर फ्लावर। इसके लिए भी देखो सर्कल बना लेना पहले, इसमें मैंने ड्रॉ नहीं किया, इसमें मैंने डायरेक्टली बनाया है, ठीक है। पहले आप लोगों को इसलिए ड्रॉ करके बताया था क्योंकि आप बिगनर हो, तो ये ध्यान रखना है कि आपको ड्रॉ करके ही सर्कल पर काम करना है जिससे पता रहे कि कितना डिस्टेंस रखना है और कितना बड़ा बनाना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर रेड ऐड करेंगे, कोई सा भी रेड ले सकते हो, क्वीन रेड ले सकते हो, क्रिम्सन ले सकते हो, कोई सा भी लेंगे। दोनों ही शेड्स हम यहाँ पर कॉमन चला रहे हैं और दोनों ही शेड्स यहाँ पर जो है इजीली अवेलेबल हो सकते हैं आपको। कैमल में काम करो तो कैमल में भी बहुत अच्छे से आसानी से मिल जाएंगे। ब्रस्टो के वाटर कलर्स मैंने यूज़ नहीं करे हैं इसलिए मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है ब्रस्टो के वाटर कलर्स कैसे हैं और शेड्स भी क्या है मुझे नहीं आइडिया, बट मिलता जुलता कलर ले लोगे तो रिजल्ट्स डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर चौड़ी पेटल्स बनाएंगे हम,
तो थोड़ी सी चौड़ी पॉटल पेटल्स बनाने के लिए आपको एक ट्राइंगल शेप देना पड़ेगा अपने ब्रश की हेल्प से, और उसको अंदर की तरफ फिलिंग करना पड़ेगा। एजेस को आप यहाँ पर रफ छोड़ोगे, एजेस को आप पूरा ट्राइंगल देके शेप नहीं दोगे, एजेस जो रहेगा हर पेटल का वो यहाँ पर रफ रहेगा, और उसको बाहर मतलब टेढ़ी मेढ़ी रहेगी रफ का मतलब, ठीक है। तो उसको बाहर आप छोड़ोगे, छोटी बड़ी ही छोड़ दोगे, उसको नीट नहीं करोगे आप, ठीक है। होप मैं आपको समझा पा रही होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हर एक पेटल हम ले लेते हैं और हर एक पेटल को हम अलग अलग ट्राइंगल का शेप देंगे। हमारा जो ट्राइंगल रहेगा वो छोटा बड़ा हो सकता है ना, और हमारा जो ट्राइंगल रहेगा पतला मोटा भी हो सकता है, आपकी इच्छा है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर ये फ्लावर बना लेते हैं। Thank you.
चलिए, तो उम्मीद करती हूँ आज का ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है, अगर दोनों ट्यूटोरियल अच्छे से समझ में आ गए हैं तो लाइक दबाइएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर मास्किंग टेप हटा लेते हैं और यहाँ पर देखिए कितना सुंदर निकल के आया फ्लावर। जैसे जैसे डिटेलिंग करते जाते हैं फ्लावर में, वैसे वैसे उसके इफेक्ट्स बहुत ही प्यारे निकल के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा लाइनिंग वगैरह की, लाइनिंग परफेक्ट आनी चाहिए और वेट ऑन वेट इफेक्ट भी कितना अच्छा निकल के आया, नीट एंड क्लीन एकदम। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।